हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्वेश्चन सीरीज, राइट? क्या होगा, हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे पोस्ट करेंगे और वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस यूट्यूब चैनल पे करवाएंगे। तो आप चाहे तो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, राइट? तो देख सकते रहेंगे कुछ ये जो क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, रेफरेंस, कुछ रेफरेंस बुक के क्वेश्चन होंगे, कुछ होंगे CSIR, नेट, JRF या फिर गेट या सेट के क्वेश्चन होंगे, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो हम यहाँ पे लेके आएंगे और सॉल्यूशन करवाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट जो होते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है वो भी आपको पता चल जाएगा। हमारी यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी इनऑर्गेनिक और फिजिकल के क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो चुके हैं, आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे, राइट? देखो पहला क्वेश्चन कैसे होगा, देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक कार्बोनिल कंपाउंड दिया है और बेस दिया है। तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और कार्बोनिल कंपाउंड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो वहाँ माइनस चार्ज आएगा और वो माइनस चार्ज अगर डिलोकलाइज होगा तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा और इनोलेट बनाएगा। देखो कैसे बनाएगा, इसमें हम देखते हैं, देखो क्या होगा, ये हमारा सबस्ट्रेट दिया है साइक्लोहेक्सेनॉन, राइट? ये है सबस्ट्रेट साइक्लोहेक्सेनॉन और उसकी बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम, ये जो हमारा है बेस, राइट? तो बेस क्या होगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। प्रोटॉन कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जो मोर एसिडिक प्रोटॉन होगा वो सबसे पहले वो बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, राइट? तो यहाँ पे जो मोर एसिडिक प्रोटॉन कौन से होंगे, जो कि कार्बोनिक कंपाउंड के एडजेसेंट कार्बन पे लगे होंगे, राइट? तो यहाँ भी दो प्रोटॉन लगे हुए हैं अगर हम देखें तो, और यहाँ भी दो प्रोटॉन लगे हैं, राइट? तो यहाँ तो चारों प्रोटॉन सेम है तो कोई भी प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा और माइनस चार्ज जनरेट होगा, ये जो बेस है वो ये प्रोटॉन ले लेगा, राइट? ये प्रोटॉन अगर लेगा तो यहाँ पे माइनस चार जनरेट होगा, राइट? ये कार्बोनिल से और यहाँ पे आएगा माइनस चार। अब ये माइनस चार जो है वो डिलोकलाइज होगा ऐसे, ये डिलोकलाइज होगा तो ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड जो है वो ओपन हो जाएगा और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, राइट? तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, राइट? ये क्यों हुआ, यहाँ पे देखे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और हमें पता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे माइनस चार्ज जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये जो यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ये डिलोकलाइज होके यहाँ पे हमारा इनोलेट बना देगा, राइट? ये होगा हमारा इनोलेट। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया था, उसके बाद क्वेश्चन में दिया था COOH ट्वाइस, राइट? तो उसका स्ट्रक्चर हम खोल के लिखे तो ऐसे होगा, राइट? सी डबल बॉन्ड OOH और OOH, राइट? ऐसे दिया था। तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस चार्ज जो है वो फिर से बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से जो ये बॉन्ड है वो टूट जाएगा और यहाँ से कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर देगा, और ये अगर अटैक कर देगा तो ये जो बॉन्ड है वो ओपन हो जाएगा और ये ओपन होने से हमें क्या मिलेगा, देखो हमें कुछ इस तरह का कंपाउंड मिलेगा, राइट? यहाँ पे फिर से बॉन्ड बन जाएगा कार्बोनिल वैसा का वैसा, और फिर यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन में ये ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, ये बॉन्ड ओपन हो गया इसलिए, राइट? और यहाँ पे जो दो ईटी होंगे, दो इथोक्साइड होंगे, वो वैसे के वैसे रहेंगे। अब क्या होगा, ये माइनस चार्ज जो है वो वापिस आएगा, बॉन्ड बनाएगा और यहाँ ये जो OOH है वो गुड लिविंग ग्रुप है इसलिए वो लिव कर जाएगा, वो निकल जाएगा, राइट? तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा देखो ये जो कार्बोनिल कार्बन है वो वैसे के वैसे, और यहाँ पे मिलेगा हमें COOH, राइट? एक OOH जो है वो निकल गया क्योंकि वो गुड लिविंग ग्रुप है और ये कंपाउंड हमें मिल जाएगा। अब देखो आगे फिर से बेस दिया गया है, दूसरी बार अगर बेस दिया है तो अब देखो, अब यहाँ भी एक प्रोटॉन है, राइट? और यहाँ पे दो प्रोटॉन है, तो अब जो बेस है वो कौन सा प्रोटॉन लेगा, अब जो है इनोलेट किस सेट पे बनाएगा, यहाँ भी इनोलेट बन सकता है और यहाँ भी इनोलेट बन सकता है, राइट? तो वो कौन सा इनोलेट बनाएगा वो हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है थर्मोडाइनेमिक इनोलेट और काइनेटिक इनोलेट का, राइट? तो अब वो हम देखेंगे कि थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है और काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होती है, और उसके बेस पे हम देखेंगे कि थर्मोडाइनेमिक इनोलेट्स क्या होते हैं और काइनेटिक इनोलेट्स क्या होते हैं। तो चलो देखते हैं, राइट? देखो दो रिएक्शन हम कंसिडर करेंगे अगर,
उसके अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर हम देखें तो कैसे होंगे, देखो एक तो ऐसे होगा, यहाँ पे है एनर्जी, यहाँ भी एनर्जी, और यहाँ पे होगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें तो यहाँ पे होगा हमारा सब्सट्रेट और यहाँ पे होगा हमारा प्रोडक्ट, राइट। और रिएक्शन जाएगी इस तरह से, राइट। तो यहाँ पे जो होगा ये जो गैप होगा इसको हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, राइट, एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। और दूसरी अगर रिएक्शन हम कंसिडर करें तो यहाँ पे हमारा होगा सब्सट्रेट, क्योंकि सेम एनर्जी पे ही होगा, पर प्रोडक्ट जो होगा वो यहाँ पे होगा, इसके कंपैरिजन में अगर देखें तो एनर्जी उसकी कम होगी प्रोडक्ट की, राइट, और सब्सट्रेट की सेम ही होगी, राइट। और रिएक्शन अगर हम देखें तो वो ऐसे जाएगी, अगर ऐसे रिएक्शन जाएगी तो यहाँ पे हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ये होगी एक्टिवेशन एनर्जी, राइट, ये होगी एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ ये जो गैप है वो कम है, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम है, और यहाँ पे जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, राइट, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो यहाँ पे ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी अगर यहाँ पे ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम है, राइट, ऑब्वियसली उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, राइट। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट हम देखें तो ये यहाँ पे क्या है, कम है, राइट। और यहाँ पे अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट देखें तो ये ज्यादा है, राइट। अगर इस केस में देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट से, राइट, ये हमें पता है केमिकल काइनेटिक से, राइट। जिसका रेट ज्यादा होगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, यानी रेट अगर ज्यादा होगा तो वो रिएक्शन जो है वो स्पीड से जाएगी, वो फास्ट जाएगी, राइट, और वो काइनेटिकली फेवरेबल होगी। तो यहाँ पे क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम है तो उसका रेट जो है वो ज्यादा होगा, रेट जो है वो ज्यादा होगा, और अगर रेट ज्यादा होगा तो वो फास्ट रिएक्शन होगी, वो स्पीड से जाएगी, और स्पीड से अगर जाएगी तो वो काइनेटिकली फेवरेबल होगी, राइट, वो काइनेटिकली फेवरेबल होगी तो वो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा तो उसको हम कहेंगे काइनेटिक स्टेबल प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ पे जो होगा वो काइनेटिक स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा, और यहाँ पे जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो रेट जो है वो कम होगा, रेट अगर कम होगा तो वो काइनेटिकली फेवरेबल नहीं होगी, काइनेटिकली फेवरेबल नहीं है तो क्या होगा, वो जो प्रोडक्ट बनेगी वो थर्मोडायनेमिक स्टेबल प्रोडक्ट बनेगी। थर्मोडायनेमिक स्टेबल प्रोडक्ट कैसे बनेगी, क्योंकि इसके प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा है, तो यहाँ पे ये जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी वो थर्मोडायनेमिक स्टेबल प्रोडक्ट होगी, राइट। तो देखो हमने क्या देखा, काइनेटिक स्टेबल प्रोडक्ट में क्या होगा कि प्रोडक्ट जल्दी मिल जाएगी लेकिन उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, राइट। और थर्मोडायनेमिक स्टेबल प्रोडक्ट में हमने क्या देखा कि प्रोडक्ट जो है वो देर से मिलेगी, रिएक्शन स्लो होगी, लेकिन आखिर में जो हमारी प्रोडक्ट मिलेगी वो ज्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू अ काइनेटिक स्टेबल प्रोडक्ट, राइट। देखो हम एग्जाम्पल से देखते हैं, ज्यादा समझ आएगा आपको। देखो हमने क्या दे रहा, हमारे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है, राइट, हमारे पास ये कार्बोनिल कंपाउंड है, राइट, और इसमें अगर हम कोई बेस से रिएक्शन करें, कोई बेस से रिएक्शन करें तो यहाँ भी दो प्रोटॉन है और यहाँ भी तीन प्रोटॉन है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि दोनों साइड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं बेस, राइट। तो देखो क्या होगा, यहाँ से अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ से अगर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड और ये सी एच टू पे माइनस चार्ज आएगा, राइट, और यहाँ पे ऐसे माइनस चार्ज आएगा क्योंकि एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। और अगर यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा बेस तो क्या होगा, तो होगा ऐसे, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, राइट। देखो अब देखो इसकी कौन सी स्टेबिलिटी ज्यादा है वो अगर हम देखें तो देखो यहाँ से क्या होगा,
ये जो है डिलोकलाइज होगा और यहाँ पे अनायन बनाएगा, राइट। तो कैसे होगा देखो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, राइट। और अगर यहाँ पे ऐसे डिलोकलाइज होगा, यहाँ पे माइनस चार डिलोकलाइज होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हिंडर्ड साइड इनोलेट बनेगा, राइट। तो देखो अब हम अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात करें हम, तो यहाँ पे क्या है देखो, ये डबल बॉन्ड है, तो कौन सा डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है वो अगर हम देख ले तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। और जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होगा, और जो कम स्टेबल होगा वो काइनेटिक प्रोडक्ट होगा, राइट। अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, हम जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या है, दो अल्फा हाइड्रोजन है, देखो ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। और यहाँ पे अगर देखें तो ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी एच थ्री है और यहाँ भी सी एच थ्री है, तो यहाँ पे क्या है, सिक्स अल्फा हाइड्रोजन हमें मिल रहे हैं, राइट। तो ये जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा इससे, तो ये जो है वो हमारी थर्मोडाइनेमिक स्टेबल इनोलेट हो जाएगी और ये हमारी होगी काइनेटिक स्टेबल इनोलेट, राइट। तो जो ज्यादा स्टेबल इनोलेट होगी वो थर्मोडाइनेमिक स्टेबल इनोलेट होगी, कम स्टेबल इनोलेट होगी वो काइनेटिक इनोलेट होगी, राइट। तो ये तो हमें पता चल गया कि कौन सी थर्मोडाइनेमिक स्टेबल इनोलेट बनेगी और कौन सी काइनेटिक इनोलेट बनेगी, राइट। लेकिन वो कब बनेगी, कब काइनेटिक बनेगी और कब थर्मोडाइनेमिक स्टेबल हमारी इनोलेट बनेगा, वो हमें कैसे पता चलेगा, तो वो डिपेंड करता है बेस पे, राइट, बेस पे और कुछ कंडीशंस पे ये डिपेंड करता है। तो देखो कैसे, तो देखो हमने क्या देखा, काइनेटिक स्टेबल काइनेटिक इनोलेट और थर्मोडाइनेमिक इनोलेट, राइट। ये कब बनेगी, तो ये डिपेंड करेगी बेस पे कि कौन सा बेस है वो काइनेटिक इनोलेट बनाएगा और कौन सा बेस है वो थर्मोडाइनेमिक इनोलेट बनाएगा। लेकिन इससे पहले हम देख ले कि काइनेटिक इनोलेट हमने किसे कहा है, कि जो कम स्टेबल होगा लेकिन जल्दी बनेगा, और जो इनोलेट लेस हिंडर्ड साइड बनेगा उसको हम काइनेटिक इनोलेट बोलेंगे, राइट। तो जो लेस हिंडर्ड साइड अगर डबल बॉन्ड बनेगा, लेस हिंडर्ड साइड अगर इनोलेट बनेगा तो वो कम स्टेबल होगा, इसलिए वो काइनेटिक इनोलेट होगा, राइट। और जो इनोलेट मोर हिंडर्ड साइड बनेगा, मोर हिंडर्ड साइड से अगर प्रोटॉन लेगा तो ज्यादा कंजुगेशन में जाएगा और ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होने के कारण वो ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। तो देखो लेस हिंडर्ड साइड से कौन प्रोटॉन लेगा और मोर हिंडर्ड साइड से कौन प्रोटॉन लेगा, कौन सा बेस यहाँ पे काइनेटिक इनोलेट बनाएगा और कौन सा बेस थर्मोडायनेमिक इनोलेट बनाएगा, वो हम अगर देख ले तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी रिएक्शन कब कैसे होगी, राइट। तो देखो हमारे जितने भी ऑर्गेनिक बेस है वो जो है वो काइनेटिक प्रोडक्ट बनाएंगे, काइनेटिक इनोलेट बनाएंगे और लेस हिंडर्ड साइड हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, लेस हिंडर्ड साइड इनोलेट बनेगा, राइट। तो ऑर्गेनिक बेस जो है वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे हमारे पहला हो गया एलडीए, राइट, एलडीए लिथियम डाइसोप्रोपाइल अमाइन, राइट। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसे, राइट। ये जो है वो दो आइसोप्रोपाइल ग्रुप होंगे और माइनस, और इसका काउंटर आयन जो होगा वो होगा लिथियम, राइट। तो ये जो है वो एलडीए का स्ट्रक्चर है, लिथियम डाइसोप्रोपाइल अमाइन, राइट। दूसरा ऑर्गेनिक बेस होगा LHMDS, राइट। LHMDS लिथियम हेक्सामेथिलीन डाइसिलाइल अमाइन, राइट। का स्ट्रक्चर कैसे होगा ये देखो, इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसे और होगा, और लिथियम जो है काउंटर आयन होगा, राइट। ऐसे ही तीसरा अगर बेस हम देखें, अगर यहाँ पे लिथियम की जगह पोटेशियम होगा तो वो KHMDS होगा, राइट। और फिर होगा LiTMP, राइट।
ये कैसे होगा? ये होगा लिथियम टेट्रा मिथाइल पिपेरिडिन, राइट। और इसका भी काउंटर आयन होगा लिथियम। ऐसे कोई ऑर्गेनिक बेसिस यानी एलडीए, फिर होगा एलएचएमडीएस, फिर होगा एलआईटीएमपी, राइट। और ऐसे कोई बेस विथ लो टेम्परेचर, पर अगर टेम्परेचर भी लो दिया है अराउंड -78 डिग्री सेल्सियस ये लोग देते हैं, राइट। तो लो टेम्परेचर होगा और ऑर्गेनिक बेस होगा तो वो क्या करेगा, लेस इंडरसाइड, लेस इंडरसाइड से प्रोटॉन लेगा और काइनेटिक इनोलेट बनाएगा, राइट। काइनेटिक इनोलेट बनाएगा। और अब हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक इनोलेट कैसे बनाएगा। देखो थर्मोडायनेमिक इनोलेट कौन बनाएगा कि हमारे जो इनऑर्गेनिक बेसिस होंगे थर्मोडायनेमिक स्टेबल इनोलेट बनाएंगे। कौन से होंगे इनऑर्गेनिक बेसिस? तो सबसे पहले आएगा NaOH, राइट। फिर आएगा KOH, NH, फिर होगा CaOH ट्वाइस, फिर होगा NaOT। ऐसे अगर कोई इनऑर्गेनिक बेसिस होंगे तो वो क्या करेंगे, मोर इंडरसाइट से प्रोटॉन लेंगे। मोर इंडरसाइट से प्रोटॉन अगर लेंगे तो वो ज्यादा स्टेबल इनोलेट बनाएंगे और वो इनोलेट को हम क्या कहेंगे, थर्मोडायनेमिक इनोलेट, इनोलेट, राइट, थर्मोडायन। तो अब हमें क्या पता चला है यहाँ से कि अगर ऑर्गेनिक कोई ऑर्गेनिक बेस होंगे लाइक एलडीएल एचएमडीएस, वो जो सारे बेस होंगे और लेस टेम्परेचर पे अगर दिए होंगे तो वो लेस इंटरचार्ज से प्रोटॉन लेंगे, और अगर इनऑर्गेनिक बेस होंगे एनएओएच एनएओईटी केओएच ऐसे अगर कोई बेस होंगे तो वो क्या करेंगे, मोर इंटरसाइड से प्रोटॉन लेंगे और मोर इंटरसाइड इनोलेट बना देंगे, राइट। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था पहले हमें साइक्लोहेक्सेनॉन दिया गया था, साइक्लोहेक्सेनॉन की हमने बेस एनएओईटी जो है इनऑर्गेनिक बेस, लेकिन पहले स्टेप में तो कोई मोर इंटरसाइड और लेस इंटरसाइड की बात ही नहीं आती क्योंकि दोनों साइड सेम है, राइट। तो वो कहीं से भी प्रोटॉन लेके COOET ट्वाइस से रिएक्शन करवाएंगे तो पहले स्टेप में हमें मिल जाएगा ऐसे, राइट। यहां तक हमने देखा था, राइट। अब क्या करेंगे, दूसरी बार अगर हम बेस की रिएक्शन करवाएंगे और दूसरी बार भी बेस दिया है NaOH, राइट। और ये जो बेस है वो इनऑर्गेनिक बेस है और इनऑर्गेनिक बेस जो है वो मोर इंटरसाइड से प्रोटॉन लेगा, यानी कि यहाँ से प्रोटॉन लेगा क्योंकि यहाँ पे जो है वो लेस इंटरसाइड है, तो ये दो प्रोटॉन नहीं लेंगे, यहाँ पे प्रोटॉन लेगा। और अगर मोर इंटरसाइड से अगर प्रोटॉन लेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो है COOET, राइट, और यहाँ पे माइनस चार्ज, राइट। और ये जो माइनस चार्ज है वो यहाँ से डिलोकलाइज होगा, ये ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे इनोलेट बनेगा जो कि मोर इंटरसाइड इनोलेट बनेगा, राइट। ये जो है हमारा थर्मोडायनेमिक टेबल इनोलेट हमें मिला, राइट। अब क्या करेगा, उसकी रिएक्शन हमने मिथाइल आयोडाइड से की थी, मिथाइल आयोडाइड, तो क्या करेगा, ये जो माइनस चार्ज है वो वापस आएगा और यहाँ से वो मिथाइल आयोडाइड पे अटैक करेगा, ऐसे मिथाइल आयोडाइड पे अटैक करेगा तो इनोलेट का मिथाइलेशन हो जाएगा वो होगा तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आएगा ऐसे, राइट, यहाँ पे मिथाइल, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे जो NaOH इनऑर्गेनिक बेस था उसके बदले ऑर्गेनिक बेस होता तो क्या होता, देखो अगर कोई ऑर्गेनिक बेस होता हमारे पास ये रेडी था, राइट, और एलडीए, एलडीए ऑर्गेनिक बेस अराउंड 78 डिग्री सेल्सियस, ये अगर होगा तो क्या होता, ये जो है वो लेस इंटरसाइड से प्रोटॉन लेता, यहाँ से प्रोटॉन लेता और हमारा लेस इंटरसाइड इनोलेट बनाता, यहाँ से इनोलेट बनाएगा। और उसकी अगर हम मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट आएगा, तो
हमारा प्रोडक्ट आएगा ऐसे, राइट। तो ये हमारा आएगा काइनेटिक, काइनेटिक प्रोडक्ट, काइनेटिक स्टेबल इनोलेट बना, इसलिए काइनेटिक प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा डी, राइट। दोनों एक ही साइड इनोलेट बना के रिएक्शन करेंगे, क्योंकि दोनों बार इनऑर्गेनिक बेस ही दिया गया है, तो इनऑर्गेनिक बेस जो है वो मोर इंडर साइड से प्रोटॉन ले लेगा, मोर इंडर साइड से अगर प्रोटॉन लेगा तो मोर इंडर साइड इनोलेट बनाएगा और वही से रिएक्शन होगी, राइट, और वही मिथाइलेशन होगा, इसलिए डी हमारा प्रोडक्ट आएगा। और अगर यहाँ सेकंड स्टेप में एलडीए दिया होता तो हमारा आंसर आता ए, राइट। तो यहाँ इस लेक्चर में हमने क्या देखा, थर्मोडाइनेमिक स्टेबल इनोलेट कौन सा होगा और काइनेटिक स्टेबल इनोलेट कौन सा होगा वो हमने देखा, और इसी बेस पे हम रिएक्शन करवा के कैसे प्रोडक्ट निकाल सकते हैं वो हमने देखा। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।